हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 71 है वो ऑल टुगेदर होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, जहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट, किस तरीके से हम अपना पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट बना सकते हैं। बिकॉज बेटा, बोर्ड एग्जाम्स में हमारे पास एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जहाँ पर बेसिकली वो हमसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। बट बेटा, हम ना अपना कोई स्कोप नहीं छोड़ेंगे, तो हम ना एक पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाएंगे ही, पर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ा तो पार्टनर्स लोन भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी एंड कैश बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फुल फ्लैज क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है, जो बेसिकली एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन, बेटा आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हम ऑलरेडी कर चुके थे। नाउ हम आज की क्लास में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि इस तरीके से है कि बैलेंस शीट आपको ना बेटा फर्म की दे रखी है एज एट 31 मार्च 2016 की, जो कि डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपनी फर्म को क्या करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं, सेम मतलब ये अपनी फर्म को बंद करना चाहते हैं, और इन्होंने आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड कर दी है 31 मार्च 2016 की। ठीक है, का लाइबिलिटी साइड जो बैलेंस शीट का हमारा जो लाइबिलिटी साइड है उसमें हमारे पास संडी क्रेडिटर्स हैं 14,000 के, रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसीज हैं 500 रुपीज की, एंड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है बेटा 4,000 एंड 3,000, तो टोटल करके बाहर दिया है 7,000। बेटा देखो, संडी क्रेडिटर आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। रिजर्व फॉर कंटिजेंसी एक तरीके से बेटा जैसे जनरल रिजर्व होते हैं वैसे ही रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज होती हैं। कंटिजेंसीज का मतलब होता है बेटा कि फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिनसे फर्म को एक्सपेंस हो सकता है, श्योर नहीं है पर हो सकता है, कोई भी ऐसा इवेंट आ सकता है। पार्टनरशिप फर्म को भी नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सा ऐसा इवेंट आएगा जिससे एक्सपेंस हो सकता है, पर कोई भी इवेंट ऐसा हो सकता है तो उसको हम बोल सकते हैं कंटिजेंसी, हो भी सकता है नहीं भी कंटिजेंसी, तो उसके लिए हमने रिजर्व बना रखा है। तो इट इज अ काइंड ऑफ जनरल रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व होता है वैसे ही रिजर्व फॉर कंटिजेंसी भी होता है। 500 रुपए का ये आपको दिया है। तो जो रिजर्व फॉर कंटिजेंसी है लाइक अ जनरल रिजर्व, ये बेटा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज ये इंटरनल लाइबिलिटी है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और इसे आप अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर बेटा आपको उसके बाद कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो कैपिटल अकाउंट तो होता ही पार्टनर्स का है, इसके लिए सेपरेट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं जो कि है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये भी बेटा रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड से रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ क्या जाएगा बेटा, संडे क्रेडिटर, क्योंकि ये आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। फिर उसके बाद अगर हम एसेट सेक्शन से बात करें बेटा, तो हमारे पास एसेट सेक्शन में कैश एट बैंक है यानी बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर है, मशीनरी है, और इनके अमाउंट्स इन्होंने सामने यहाँ पर कोट कर रखे हैं। देखा जाए कि रियलाइजेशन में कौन से एसेट्स जाएंगे, तो देखो वही एसेट्स बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में जा सकते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि उनको मार्केट में बेचा जा सकता है। तो बैंक तो बेटा बेचा नहीं जा सकता, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस तो बेचा नहीं जा सकता, तो इसलिए मेरे बच्चे बैंक आपका ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में। क्या स्टॉक को बेचा जा सकता है? हाँ। क्या डेटर को बेचा जा सकता है? हाँ। क्या मशीनरी को बेचा जा सकता है? हाँ। तो इनको बेच के ना बेटा हम पैसे रिकवर कर सकते हैं, इसलिए ये सारे फिगर्स स्टॉक, डेटर, मशीनरी ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन में। और बेटा इन्होंने यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल हमें दे दिया 21,500। फिर इन्होंने बताया कि ₹19,500 वर रियलाइज फ्रॉम ऑल द एसेट्स, कि जितने भी एसेट्स हैं ना आपके जो रियलाइजेशन में गए हैं लाइक स्टॉक, डेटर, मशीनरी, इनको बेच के कितने रुपए मिल रहे हैं? 19,500 एक्सेप्ट कैसेट बैंक, सिर्फ बैंक को छोड़ के। ऑब्वियसली बात है बेटा बैंक रियलाइजेशन में नहीं गया होगा क्योंकि हम बैंक अकाउंट को नहीं बेच सकते। तो स्टॉक, डेटर, मशीनरी तीनों एसेट को मिलाकर हमारा जो एसेट रियलाइज हुआ है मार्केट में बिका है कितने रुपए का बिका है? 19,500 रुपए का बिका है ना। अब रियलाइज वर्ड है तो मतलब ये बैंक के थ्रू ही बिका होगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि कोई एसेट पार्टनर लेकर जा रहा है, अगर पार्टनर लेकर जा रहा होता तो पार्टनर के थ्रू बिक रहा होता, बट कुछ ऐसा लिखा नहीं है, रियलाइज लिखा है, तो इट मीन्स कि हमारा एसेट बैंक के थ्रू बिक रहा है। फिर उन्होंने बोल दिया था कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप,
केम टू रुपीज 440 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप का मतलब होता है डिसोल्यूशन करना, यानी फर्म को बंद करना। तो फर्म बंद कराने में अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो ये ना आपका एक तरीके से रियलाइजेशन एक्सपेंस है। अब देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, बोला नहीं है किसका बॉर्न किसका पे, तो हम यही मानेंगे कि बॉर्न बाय फर्म है एंड पेड बाय फर्म है, मतलब ये फर्म का ही खर्चा है और फर्म ने ही इसको पे किया होगा। ठीक है, अच्छा आगे लिखा है कि एक्स एंड वाई शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली, और एक्स और वाई जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी शेयर करते हैं बेटा, वो करते हैं 2:1 के रेशियो में। तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया। क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है एंड कैपिटल अकाउंट्स बनाना है पार्टनर का। तो ठीक है, हम बना देंगे। और साथ ही साथ हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल ही क्यों, हम रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, हम बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, सेवा भक्ति करेंगे। क्योंकि देखो, एग्जाम में अगर उसने बोल दिया कि नेसेसरी अकाउंट बनाओ, तो नेसेसरी में आपका रियलाइजेशन भी बनेगा, या पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा और बैंक अकाउंट भी बनेगा। तो आपने अपने एग्जाम के लिए ना प्रॉपर तरीके से तैयार होकर जाओ। गॉड नोस कि वो क्या पूछे, वैसे तो ज्यादातर वो रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने के लिए बोलता है, बट आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़े, आप सारा का सारा फुल फ्लेज क्वेश्चन अपना तैयार करके जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, और साथ साथ हम यहाँ पर बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। वैसे पूछा नहीं है, पर सेवा भक्ति करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो बताइए, जब मैं अपना आंसर स्टार्ट करूंगा, तो एग्जामिनर को बता दूंगा कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की और बैंक अकाउंट की। मैंने अकाउंट बेटा ऑलरेडी बनाकर रेडी रख दिया, जिससे हमारा समय बच जाए। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट सबको पता है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है, क्रेडिट साइड यहाँ पर इनकम की होती है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, हम सबसे पहले ना अपने एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। तो बताइए, हमारे पास सबसे पहले कौन सा एसेट दिया हुआ है? स्टॉक, डेटर, मशीनरी। तो हमने इनको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। तो टू स्टॉक, ठीक है, स्टॉक के बाद है हमारे पास डेटर, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, लाइन बारी से जल्दी जल्दी बेटा हम लिख देंगे। ठीक है, टू डेटर अकाउंट एंड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये हमने लिख दिया, कॉपी एंड पेस्ट, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। और आपको पता है, जब हम एसेट्स को बेटा रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, तो एक्सपेंस साइड में ट्रांसफर करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमने इन एसेट्स में पैसा लगाया था, आज बेटा बिजनेस बंद हो रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट खत्म हो रहा है, तो आज हम इसे अपना एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। हम ये मानेंगे कि इस पे जितना पैसा हमने लगाया वो हमारा खर्चा है, क्योंकि एसेट हम तभी मानते हैं ना जब बिजनेस आगे भी चल रहा होता है। हम इनको एसेट तभी मान सकते थे जब आगे भी बिजनेस चल रहा होता, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट चल रहा होता, पर आज बिजनेस बंद हो रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट खत्म हो रहा है, तो हम कह रहे हैं इस एसेट पे जितना पैसा हमने लगाया था ना, अब फ्यूचर में हम इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न नहीं कर सकते, कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा बिजनेस आज बंद हो रहा है, अब फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, इसलिए इन एसेट्स में जो भी पैसा हमने लगाया था वो हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है, तो इसलिए देखो हमने इन्हें डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब अमाउंट देख लेते हैं, तो अमाउंट है स्टॉक के कितनी बेटा? 4740। और डेटर की अमाउंट है 5540, 5540। और मशीनरी की अमाउंट कितनी है बेटा? 10580। तो बस कॉपी एंड पेस्ट कर दिया हमने डेबिट साइड में। फिर बेटा हम अपनी लायबिलिटी सेक्शन से भी देखेंगे कि लायबिलिटी सेक्शन से कौन सी लायबिलिटी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर होगी। तो सिर्फ एक ही लायबिलिटी है बेटा एक्सटर्नल, जो हमारा बोलते हैं ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एक बेटा और लायबिलिटी हो सकती है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है, वो है अगर कोई प्रोविजन या रिजर्व अगर किसी एसेट से बिलोंग करता है, और अगर वो एसेट कहाँ चला जाता है रियलाइजेशन में, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी रिजर्व्स होते हैं, चाहे रिजर्व हो चाहे प्रोविजन हो बेटा, होता लायबिलिटी है। तो अगर कोई रिजर्व और कोई प्रोविजन अगर किसी एसेट से कंसर्न रखता है, एसेट से संबंध रखता है, और क्योंकि वो एसेट रियलाइजेशन में जा चुका है, तो वो प्रोविजन, वो फिर रिजर्व भी कहाँ चले जाते हैं? रियलाइजेशन में। बट हमें यहाँ पर ऐसा कोई भी रिजर्व या प्रोविजन नहीं दिख रहा है बेटा जो किसी एसेट से क्या करता हो, लिंक करता हो। एक रिजर्व दिया भी है कंटिंजेंसी का, बट ये किसी एसेट से तो लिंक करता नहीं है, तो ये प्योरली एक तरीके का जनरल रिजर्व ही है। तो हम इसे अपने पार्टनर के बीच में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट तो वैसे ही नहीं जाता, तो सिर्फ क्या जाएगा बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, और कितने रुपए का था बेटा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर? 14,000 का।
तो बस देखो, हमारा पहला स्टेप है कि हम अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करें। तो देखो, हमने अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया। एसेट हमने वही ट्रांसफर करे जिनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि वो मार्केट में बिक सकते हैं, और लाइबिलिटीज हमने कौन सी ट्रांसफर करी जो मार्केट में पे की जा सकती है, यानी जिनको हम पे कर सकते हैं। बट वो कौन सी लाइबिलिटी है? एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से जो रिलेट होती है, बाहर वालों को जो हम पे करते हैं वो लाइबिलिटीज यहाँ पर ट्रांसफर होती है। एक लाइबिलिटी और आ सकती है लाइक प्रोविजन और रिजर्व, जो किसी एसेट से रिलेट करते हैं। बट हमें कोई प्रोविजन और रिजर्व ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जो किसी एसेट से रिलेट करते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर से रिलेट करता है तो वो यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा। कहीं भी बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो किससे लिंक करता है? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट छोड़ो, यहाँ IFR छोड़ो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व छोड़ो, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिया है आपको। तो यहाँ तो दूर दूर तक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नाम ही नहीं है, तो उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे ही नहीं। तो देखो, हमने अपनी लाइबिलिटीज एसेट यहाँ पर ट्रांसफर कर दी, पहला स्टेप हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है बेटा कि हम ना अपने एसेट्स को बेचें क्रेडिट साइड में, और अगर हम अपने एसेट्स को बेटा सोल्ड आउट करेंगे तो पैसा आएगा। पैसा आता है तो क्रेडिट साइड में आता है, पैसा आता है तो क्रेडिट साइड में आता है। और अगर हम अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, है ना, देखो एसेट्स को बेचेंगे तो क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे डेबिट साइड में। तो टू बैंक अकाउंट करके हम अपनी लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे, तो हमारा एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड में। अब बस आपको ये देखना है बेटा कि आपके कौन कौन से एसेट बिक रहे हैं और कौन कौन सी आप लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हो। तो इन्फॉर्मेशन में बोला था कि 19,500 के एसेट्स हैं जो सारे के सारे रियलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कैश एट बैंक को छोड़ के, यानी बैंक बैलेंस को छोड़ के। तो ठीक है, यानी स्टॉक डेटर मशीनरी का इन्होंने अलग अलग अमाउंट नहीं दिया, बता दिया कि 19,500 वर रियलाइज फ्रॉम ऑल एसेट एक्सेप्ट बैंक को छोड़ के। तो जितने भी एसेट हैं स्टॉक डेटर मशीनरी, उन सबको बेटा बेच के, स्टॉक डेटर एंड मशीन तीनों को बेच के बेटा कितना पैसा रियलाइज हो रहा है? तीनों को बेच के पैसा रियलाइज हो रहा है 19,500। बोलो क्लियर हुआ? हाँ। और इसके बाद फिर इन्होंने बोला कि हमारे पास एक रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप को रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो कह रहे रियलाइजेशन एक्सपेंस है 440 रुपीज़। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ नहीं बोला किसका बॉन किसका पे है, तो हम ये बोलेंगे जिम्मेदारी भी फर्म की, यानी बॉन बाय फर्म, एंड इसे पे भी किसने किया है? फर्म ने। तो अगर ये जिम्मेदारी भी फर्म की थी और फर्म ने ही इसे पे किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा हम रियलाइजेशन एक्सपेंस को एक्सपेंस दिखाएंगे। हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है रियलाइजेशन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, और पार्टनरशिप फर्म ने इसे पे भी किया है। तो सारे एक्सपेंस आपको पता है कहाँ पे किया जाते हैं? रियलाइजेशन में, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। लो, हमने ये पे भी कर दिया, कितना? 440 रुपये ये हमने पे भी कर दिया। बट अगर हम क्वेश्चन आगे पढ़ें तो फिर उसने यही बता दिया कि एक्स और वाई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। तो यहाँ पर ना बेटा ये नहीं बताया गया कि हम क्रेडिटर को कितना पे कर रहे हैं। देखो एसेट कितने के बिक रहे हैं, उसने वो जानकारी हमें दे दी कि सारे एसेट हमारे कितने में बिक गए? 19,500 में, ठीक है। बट इसने ये नहीं बताया कि हम अपने क्रेडिटर को कितना पे कर रहे हैं। ये बता दिया कि एक रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है, वो हमने पे भी कर दिया, देखो, और बिजनेस का एक्सपेंस भी हो गया, डेबिट साइड टू बैंक हेडिंग के नीचे लिख दिया। बट क्रेडिटर को कितना पे कर रहे हैं इसके बारे में तो क्वेश्चन में कोई जानकारी दी ही नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो हम मानेंगे बेटा कि अगर क्रेडिटर की जानकारी ना दी गई हो तो ऐसे में हम मानते हैं कि वो फुल अमाउंट से पे कर दिया गया होगा, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है बेटा कि अगर किसी क्रेडिटर की या किसी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो वो अपना पैसा छोड़ेगा नहीं। कोई भी अपना पैसा नहीं छोड़ता बेटा, जिसको पैसा अपना चाहिए वो लेके रहता है। तो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि संडी क्रेडिटर अपने पूरे 14,000 रुपये ले रहे होंगे, फुल अमाउंट पे हम उन्हें पे कर रहे होंगे। सर, वैसे तो यहाँ सारे एसेट के बारे में बता रखा था कि सारे एसेट को हमने कितने में बेचा? 19,500 में। पर अगर मान लो किसी एसेट की जानकारी नहीं होती, तो मान लो कि किसी एसेट की इन्फो नहीं दी होती कि वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, तब क्या मानते? तो बेटा तब ना हम बस ये देखते हैं कि अगर आपने एसेट की जानकारी नहीं दी है कि वो सोल्ड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम बस ये देखते हैं कि वो एसेट टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है। हम उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइक जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है दे आर नोन एज टेंजिबल एसेट। तो क्या अगर कोई ऐसा एसेट है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है लाइक अ टेंजिबल एसेट, अगर उसकी इन्फो नहीं दी है तो मानते हैं कि वो उसी प्राइस पे
बिक गया, उसी प्राइस पे, बुक वैल्यू पे ही बिक गया, हम एज्यूम करते हैं। बट अगर कोई एसेट इनटेंजिबल इन नेचर है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, कमर्शियल राइट, है ना, ब्रांड नेम, अगर मान लो कि कोई इंटेंजिबल एसेट है, तो अगर उसके बारे में जानकारी नहीं दी है कि वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो बिका ही नहीं, वो बिका ही नहीं, इनटेंजिबल पे मानते हैं अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो। बट अगर टेंजिबल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो टेंजिबल एसेट में हम एज्यूम करते हैं कि वो उतने पे ही बिक गया। तो एसेट का सिनारियो अलग होता है और लाइबिलिटी का सिनारियो अलग होता है। आई होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। खैर, क्रेडिटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो हमने फुल अमाउंट पे उसे क्या कर दिया, पे कर दिया। पे करा तो डेबिट साइड में, क्योंकि बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस, तो डेबिट साइड में पे कर दिया। बस बेटा, अब हमारा देखो लाइबिलिटीज भी पे हो गया, सारे एसेट भी हमारे बिक गए, और एक रियलाइजेशन एक्सपेंस इनकर्ड हुआ था एक्स्ट्रा से, वो भी हमने पे कर दिया। सारा चीज हमारा हो चुका है बेटा। तो इसके बाद अब हम टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 14,440, और इसका ही टोटल करेंगे तो ये सेम 12,19,500 ही आ जाएगा। अब आपको बेटा बस ये देखना है कि कौन सी साइड ग्रेटर साइड पे है और कौन सी साइड स्मॉलर साइड पे है। तो हम ना देखो डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और जज करेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट यानी एक्सपेंस साइड, क्रेडिट यानी इनकम साइड, कौन सी साइड बड़ी है, ठीक है। तो चलो हम डेबिट का टोटल करते हैं, 4,740,5540, 10,580 एंड 14,440। तो बेटा देखो, डेबिट का टोटल जो हमारा आ रहा है ना, वो आ रहा है 35,300, ठीक है, डेबिट का टोटल। और क्रेडिट का टोटल भी करते हैं, 14,000 प्लस 19,500, तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है बेटा 33,500। तो बताइए कौन सी साइड बड़ी है। सर यहाँ तो एक्सपेंस साइड बड़ी है और इनकम साइड क्या है, लोअर है। एक्सपेंस साइड हायर है और इनकम साइड लोअर है। तो आप बताइए, अगर आपका एक्सपेंस साइड हायर साइड पे है और इनकम साइड लोअर साइड पे है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सर एक्सपेंस ज़्यादा है यहाँ पर और इनकम कम है, तो सर यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस किस साइड में आता है बेटा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड हायर साइड पे है, तो आपका लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये लॉस ना बेटा ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये लॉस हम पार्टनर्स को दे देंगे। कौन है पार्टनर्स बेटा यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई को लॉस दे देंगे। अच्छा, लॉस कैसे निकलेगा, 35,300 का टोटल एक्सपेंस है, इनकम कितने की है, 33,500 की, तो लेस कर देंगे तो लॉस निकल आएगा 35,300 माइनस 33,500, तो आपका लॉस निकल कर आया बेटा 1,800। और 1,800 का लॉस ना मेरे बच्चे, हम एक्स और वाई के बीच में बांटेंगे तो, पर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:1, तो 2:1 बोले तो 2/3 एंड 1/3। तो बेटा अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो ये आ जाएगा 1,200 एंड 600, टोटल करके बाहर आ गया 1,800, ये लॉस आपने यहाँ बांट दिया। अब कौन सी साइड बड़ी थी बताओ, डेबिट साइड 35,300, तो डेबिट में भी 35,300 एंड क्रेडिट में भी हम कितना लिखेंगे, 35,300, क्योंकि जो साइड बड़ी होती है बोथ साइड उसी का टोटल आता है। तो देखो, सबसे पहले हमने एसेट ट्रांसफर किया एक्सपेंस मान के, और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया इनकम मान के। हमने माना लाइबिलिटी से पैसा मिला होगा, तो ये हमारे एक तरीके का इनकम हो गया। फिर कल के दिन मान लो बेटा हम अपने एसेट्स को बेचते हैं, तो बेच के पैसा आएगा, तो हमने क्रेडिट साइड में बेचा। एक्सपेंस को पे किया तो बेटा डेबिट साइड में किया, बिकॉज लाइबिलिटीज को अगर हम पे करते हैं तो हमें एक्सपेंस ही होता है बेटा, एंड ऑल एक्सपेंसिज आर डेबिटेड। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे किया, क्रेडिटर भी पे किया, टोटल अमाउंट हमने 14,440 पे कर दिया। फिर हमने कंपेयर करा कि कौन सी साइड हमारी बड़ी है, एक्सपेंस साइड की इनकम साइड, तो हमें पता चला एक्सपेंस साइड बड़ी है और इनकम साइड छोटी है, तो हमें लॉस आया और ये लॉस हमने अपने पार्टनर के बीच में बांट दिया। तो मुझे लगता है कि इतना तो सबको क्लियर होगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल बेटा बिजनेस के लिए कैसा अकाउंट होता है, लाइबिलिटी एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो जो इसका सबसे पहले देखो, इसमें चार आइटम आते हैं, पर अगर करंट अकाउंट भी दिया है तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने करा था, तो वहां पर हमने देखा था कि करंट अकाउंट भी दे रखा था रमेश उमेश करके, याद है, रमेश उमेश करके हमने क्वेश्चन किया था, तो वहां पे रमेश का करंट अकाउंट, उमेश का करंट अकाउंट दे रखा था। तो अगर करंट अकाउंट होता है तो एक स्टेप बढ़ जाता है आपको आपका, क्योंकि वो करंट अकाउंट भी आपको यही कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। पर फिलहाल हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेटा वही
कोई करंट अकाउंट है ही नहीं एक्सर वाई का, तो यहाँ पे ना बेसिकली चार ही पॉइंट आएंगे। ये एक एक्स्ट्रा जो करंट अकाउंट का होता है ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो बेसिकली चार ही पॉइंट आते हैं। करंट अकाउंट वैसे बहुत रेयर होता है, बट फिर भी अगर वो पेपर में आ जाए तो हमने पहला क्वेश्चन करा था, देखा था कि करंट अकाउंट को कैसे ट्रीट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिलहाल इसमें चार चीजें हम प्लेस करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी अकाउंट है तो ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से स्टार्ट होगा। और ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है वो हमें कहाँ से पता चलेगा? बैलेंस शीट से। तो एक का 4,000, एक का 3,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 4,000 और 3,000। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस। तो मुझे बताओ हमें रियलाइजेशन अकाउंट से क्या हुआ? लॉस हुआ। तो यहाँ पर तो बेटा देखो रियलाइजेशन का एक्सपेंस कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, तो जब लॉस कम होता है ना तो वो डेबिट से क्रेडिट होता है, क्योंकि सारे लॉस एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। पर जब हम लॉस अपने पार्टनर के बीच में बांटते हैं ना तो बिजनेस का लॉस कम होता है तो वो डेबिट से क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ तो क्रेडिट साइड में हमने लॉस बांटा, पर जब पार्टनर को लॉस मिलेगा ना बेटा तो इनसे इनका अकाउंट रिड्यूस होगा। तो ऑब्वियसली बात है, देखो लॉस आपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बांटा, पर जब आप अपने पार्टनर्स अकाउंट में लेकर जाओगे तो पार्टनर्स को यह डेबिट साइड में मिलेगा, क्योंकि इससे पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस। तो लॉस आपने निकाला था, एक का 1200 आया था, एक का 600 आया था, तो बस यहाँ पर डेबिट साइड में 1200 एंड 600 लिखेंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये होता है बेटा कि जब हम एसेट्स बेचते हैं ना तो कभी कभी हमारे एसेट ना पार्टनर लेकर चले जाते हैं, और कभी कभी हमारी लाइबिलिटीज भी कौन लेकर चले जाते हैं? पार्टनर्स। तो यहाँ पर तो देखो इस क्वेश्चन में तो सारे एसेट्स हमारे बैंक के थ्रू, लाइबिलिटीज हमारी बैंक के थ्रू पे ऑफ हुई है। पर यहाँ पर अगर मान लो कि कोई अगर पार्टनर अगर एसेट लेकर जा रहा होता या लाइबिलिटी लेकर जा रहा होता तो फिर हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना या घटाना भी पड़ता। अगर मान लो कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता तो हमारा एसेट बिकता, पार्टनरशिप फर्म की इनकम होती, पर पार्टनरशिप फर्म के पास कैश नहीं आया तो वो बैंक हेडिंग में ना आकर पार्टनर हेडिंग में आता। बट जब पार्टनर हेडिंग में आता तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम रिड्यूस भी करते, क्योंकि वो बिजनेस का एसेट लेकर जा रहा है पर पैसे नहीं दे रहा, तो पार्टनरशिप फर्म क्या कर देगी? उसका अकाउंट रिड्यूस कर देगी। और अगर लाइबिलिटी लेकर जा रहा होता तो बैंक हेडिंग में नहीं आता, क्योंकि पार्टनर लेकर जा रहा है लाइबिलिटी, तो ऐसे में फिर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को लायबिलिटी पे करती। तो ऐसे में बेटा यहाँ पर क्या होता है कि लायबिलिटी पे तो करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा भी होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म लायबिलिटी पे कर रही है, बैंक के थ्रू नहीं कर रही है पर पार्टनर के थ्रू कर रही है, बट हमें फिर उस पार्टनर का अकाउंट बढ़ाना भी पड़ता। थर्ड पॉइंट हमारा ये होता है, हम ये देखते हैं कि कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर गया या कोई पार्टनर लायबिलिटी तो नहीं लेकर गया। एसेट लेकर गया है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट घटा दो, लायबिलिटी लेकर गया है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई पार्टनर ना एसेट लेकर गया ना कोई लायबिलिटी, तो वो थर्ड पॉइंट हमारा स्किप हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट होता है बेटा हमारा लुकआउट बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट में जाओ, देखो कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं है, और हाँ बैलेंस शीट में हमारे पास एक रिजर्व फॉर कंटिजेंसी है। वैसे हमारे पास यहाँ चार प्रॉफिट हो सकते थे, लाइक जनरल रिजर्व जो कि यहाँ पे रिजर्व फॉर कंटिजेंसी है, PNL का डेबिट क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR। तो वो चार प्रॉफिट हमारे पास होते हैं जो हम यहाँ पार्टनर के बीच बांट सकते हैं। हालांकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, कभी पार्टनर्स के बीच में बंटते हैं कभी नहीं, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी प्रायर वीडियोज में, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, पर यस चार टाइप के प्रॉफिट होते हैं तो हम उनको पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं। और तीन टाइप के बेटा यहाँ पर लॉस होते हैं, PNL का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो यहाँ पर देखो कोई लॉस हमें फिक्टिशियस एसेट नहीं दिख रहे हैं ना, कोई हमें बोलते हैं ना कि चार टाइप के प्रॉफिट दिख रहे हैं, चार में से बस एक ही दिख रहा है रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज यानी जनरल रिजर्व। तो हम इसको क्या करेंगे, ये फ्री प्रॉफिट है, इसके ऊपर ना कोई लाया ना कोई इसके ऊपर क्लेम आता है ना कोई लॉस आता है बेटा, तो हम इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को सीधा पार्टनर के बीच में बांट देंगे। अब 500 रुपये अगर आप अपने एक्स और वाई के बीच में बांटते हो 2:1 में, तो बेटा देखो अगर आप बांटोगे ना बाय रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज, ठीक है कंटिजेंसीज अकाउंट, तो देखो 500 रुपये को जब अगर बांटोगे आप 500 रुपीज़ को किसके बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में 2/3 एंड 1/3, तो ये पॉइंट में आएगा बेटा, क्योंकि 500 जब आप 500 इंटू 2/3 करेंगे ना तो 3 से 5 जाता नहीं है, पॉइंट में आएगा आंसर। और सिमिलरली 500 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से तो पॉइंट में ही आना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना तो 500 इंटू 2/3 करेंगे
तो ये आएगा 333.33, पर अकाउंट्स में बेटा हम पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं आंसर, राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये राउंड ऑफ होकर ना, क्योंकि 0.33 है तो राउंड ऑफ होकर ये 333 ही हो जाएगा। अगर ये 333.5 होता, 0.6 होता, तो फिर मैं इसे 334 कर देता, राउंड ऑफ कर देता, पर ये 0.33 था तो इसलिए 333 आया। और अगर मैं 500 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ तो ये आता है बेटा वाई का रिजर्व फॉर कंटिजेंसी 166.66। अब ये 0.5 या 5 से बड़ा है, तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे ना तो ये 1167 हो जाएगा। तो अगर हम इनको बांटेंगे एक्स एंड वाई के बीच में तो ये इतना इतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? क्या कोई और प्रॉफिट है? नहीं, कोई और प्रॉफिट नहीं है। क्या कोई लॉस है? नहीं, कोई और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है। तो बस बेटा हमारी बात यहाँ पर खत्म हो गई। ये हमारा था फोर्थ पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट स्किप हो गया क्योंकि कोई पार्टनर, मैं बार बार कह रहा हूँ, एसेट नहीं लेकर गया, ना कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेकर गया। तो ऐसे में ना हमने किसी पार्टनर का अकाउंट बढ़ाया लाइबिलिटी के दौरान। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेकर जाता तो उसका अकाउंट हमें बढ़ाना होता है, बट वो पॉइंट था ही नहीं क्योंकि कोई पार्टनर यहाँ पर लाइबिलिटी टेक ऑन ओवर नहीं कर रहा है। और कोई पार्टनर अगर एसेट टेक ऑन ओवर करता है तो उसका अकाउंट हमें घटाना होता है, पर कोई पार्टनर यहाँ पर एसेट टेक ऑन ओवर भी नहीं कर रहा। तो जो थर्ड पॉइंट होता है लाइबिलिटी टेक ऑन ओवर, एसेट टेक ऑन ओवर, उसका हमारा पॉइंट स्किप हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट था एंड फोर्थ पॉइंट था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिफ्थ एक एक्स्ट्रा हो सकता है करंट, बट यहाँ करंट है नहीं तो करंट को स्किप कर देंगे। बस बेटा अब आप टोटल करिए और पता करिए कि आपका कौन सा साइड ग्रेटर साइड पे है, कौन सा साइड स्मॉलर साइड पे है। तो देखो देखकर ही पता चल रहा है यहाँ पर कि जनरली बेटा लाइबिलिटी अकाउंट है तो क्रेडिट साइड ही बड़ी होती है। पर हम यहाँ पर ना बेटा हमेशा बोलते हैं ना कि ब्लाइंड बोलते हैं ना, ट्रस्ट नहीं कर सकते इस अकाउंट पे क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। तो कभी कभी ना लॉसेस इतने ज्यादा मिल जाते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड भी बड़ा हो सकता है। पर यहाँ देख कर तो साफ साफ पता चलता है बेटा कि क्रेडिट ही साइड हायर साइड पे है। तो यहाँ पर बेटा अगर हम प्लस करते हैं तो ये आएगा 4333 और ये आएगा 3167। तो जो डेबिट का टोटल है वही, सॉरी, जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो जाएगा। तो देखो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और डेबिट के टोटल से ना डेबिट बैलेंसेस क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारा ना यहाँ पर एक बैलेंस निकल कर आएगा जिस बैलेंस को फाइनली हम अपने पार्टनर को पे कर देंगे, ठीक है। तो 4333 में से, ठीक है, 4333 में से हम माइनस करेंगे 1200, तो ये आएगा बेटा 4333 माइनस 1200, तो ये आएगा 3133। और वैसे ही बेटा 3167 में से 600 लेस करेंगे तो ये आएगा 2567। अब ये जो पेमेंट, ये जो बैलेंस आया है ना, ये हम अपने पार्टनर को पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। और ये आई बेटा हमारी बैलेंसिंग फिगर, ये हमने निकाला, ठीक है। कैसे निकाला? सारी चीज़ों को प्लस करा, सारी चीज़ों को माइनस करा, ये बैलेंस अपने आप निकल कर आ गया। अब प्लस माइनस तो मेरे बच्चे आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दी पेमेंट टू पार्टनर, ठीक है, पेमेंट टू पार्टनर, ये हमने पार्टनर को पे कर दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा बैंक अकाउंट का, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बेटा बैंक बैलेंस था तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, अगर मैं बैंक अकाउंट बनाता हूँ तो बैंक अकाउंट का मेरे पास आएगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। डेबिट से स्टार्ट करूंगा बेटा मैं, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट एसेट होता है एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए मेरे बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था, वो मुझे पता चलेगा बैलेंस शीट से। तो पुरानी बैलेंस शीट में मेरा बैंक बैलेंस कितना था, 640। तो मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। बस बेटा इसके बाद आपको ये देखना है पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ गया। तो पहली बात, आपने जब अपना एसेट बेटा बेचा, तो आपने जब अपना एसेट बेचा तो पैसा आया, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ बैंक क्रेडिट है क्योंकि रियलाइजेशन में फायदा हुआ था, पर ये पैसा तो आपके पास आया है ना। तो देखो बैंक यहाँ क्रेडिट है रियलाइजेशन में, बट जब बैंक अकाउंट में आएगा तो यहाँ डेबिट होगा क्योंकि एसेट बेच के तो पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे किस अकाउंट से पैसा आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से। ब्रैकेट में हम लिखेंगे भी एसेट रियलाइज्ड, ठीक है। और कितना पैसा आया मेरे बच्चे, देखो ये हमारे पास आया 19,500, 19,500, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और उसके बाद बेटा हमने लाइबिलिटीज भी पे करी थी,
ठीक है, पर लाइबिलिटीज के साथ साथ हमने यहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे किया था। टोटल अमाउंट कितना पे किया था? 14,440। तो यहाँ रियलाइजेशन में बैंक इसलिए डेबिट हो रहा था क्योंकि ये एक्सपेंस था, रियलाइजेशन में हम पेमेंट कर रहे थे तो एक्सपेंस था इसलिए डेबिट हुआ था। पर जब बैंक अकाउंट में जाओगे ना तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट करी है। वहां डेबिट है, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और ब्रैकेट में आप लिखेंगे लाइबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस पे, ठीक है, पेड कर दिया। कितना पे कर दिया? 14,440 ये आपने पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने किसको पे किया है? देखो इसके बाद आपने पार्टनर्स लोन तो है नहीं यहाँ पे, किसी पार्टनर ने बेटा लोन वगैरह तो दिया नहीं। देखो यहाँ कहीं लिखा भी नहीं है कि एक्स ने लोन दिया, वाई ने लोन दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने सीधा फिर रियलाइजेशन के बाद क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। और हमने एक्स और वाई को कितनी पेमेंट करी? 3,133 एंड 2,567 ये हमने पेमेंट करी। यहाँ बैंक बेटा डेबिट हुआ क्योंकि यहाँ पे ना बेटा हम पेमेंट कर रहे थे। तो जब हम पार्टनर्स के कैपिटल को पे करते हैं तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो इसलिए टू बैंक अकाउंट तो यहाँ डेबिट साइड में आया क्योंकि कैपिटल अकाउंट नाम की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही थी। पर जब बेटा हम इसे बैंक अकाउंट में लेकर जाएंगे तो यहाँ डेबिट है तो वहां तो क्रेडिट होगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाई कैपिटल अकाउंट। अब किसी पार्टनर का लोन होता, मान लो पार्टनर्स कैपिटल से पहले हम पार्टनर्स लोन बना रहे होते तो हम कैपिटल से भी पहले लिखते हैं बाय एक्स लोन या वाई लोन जो भी होता उसको पे करते, फिर उसके बाद लिखते हैं एक्स और वाई की कैपिटल जो पे कर रहे हैं। बट यहाँ पर तो लोन वगैरह है ही नहीं इसलिए बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे किया और उसके बाद अब यहाँ पर हम अपने पार्टनर की कैपिटल को पे कर रहे हैं। एक्स को पे कर रहे थे 3,133 अगर आपको याद हो बेटा तो, ठीक है, और वाई को कितना पे कर रहे हैं? 2,567। बस बेटा अब आप देखो ना, ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, बैलेंस शीट से मिला, आपने अपने एसेट्स को बेच के कितने पैसा कमाया? 19,500। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। फिर आपने अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करा रियलाइजेशन में तो इससे बैंक अकाउंट घट गया। और आपने फिर फाइनली अपने पार्टनर्स के कैपिटल को भी पे कर दिया तो इससे भी बेटा आपका बैंक अकाउंट रिड्यूस हो गया। तो बस बेटा जो जो आपने पेमेंट लेनी थी वो ले ली, जो जो आपको पे करना था वो आपने पे कर दिया। नाउ फाइनली अब आप दोनों साइड इसको बोलते हैं ना कि टैली करोगे, देखो जितना पैसा आया होगा ना उतना ही पैसा गया भी होगा क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो बिजनेस के पास ना कोई पैसा बचेगा नहीं। जितना पैसा आएगा उतना पैसा चला जाएगा लाइबिलिटीज को पे करने में, ठीक है। तो देखते हैं दोनों साइड ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 640 एंड 19,500, तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है ना बेटा वो आ रहा है 20,140 और क्रेडिट साइड का भी देखते हैं 14,440, 3,133 एंड 2,567। तो ये भी क्रेडिट का भी सेम आ रहा है 20,140। तो इसी के साथ देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ बेटा, फिनिश हुआ। देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन था। तो घर में जाकर ना आपको इस क्वेश्चन की क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बोलो क्लियर है? तो घर में जाके आप मक्खन तरीके से इसको करें, कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको क्योंकि आपने सारे कंसेप्ट इसके सीख लिए। तो देख रहे हो ना एग्जाम में अगर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं पर ओवर करता हूँ, मेरे में आज थर्ड क्वेश्चन भी कराना था पर मैं क्लास को लंबी नहीं करना चाहता। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा अचल विचल वाला। अगर आपको लगता है कि आप इसे खुद कर सकते हैं तो ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है तो आप इसको कॉपी कर लेना और आप इसे घर से करने की कोशिश करना। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा तो जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो वहां पर आप अपना सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कराना और देखना कि कहाँ आपने गलती करी। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ, बट अगर आप बाकी सेकंड क्वेश्चन को कॉपी करना चाहते हो तो सेकंड क्वेश्चन जो आज की क्लास में हमने किया वो ये रहा, आप इसको कॉपी कर सकते हो और ये रहा इसका आंसर, ये है रियलाइजेशन अकाउंट, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यह है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप इसको भी कॉपी कर लीजिए और यह है आपका बैंक अकाउंट, अगर आप इसको भी कॉपी करना चाहते हैं तो ये भी कॉपी कर लीजिए। अगर बोर्ड एग्जाम्स में होता है ना बेटा तो बोर्ड एग्जाम्स में उसने मुझसे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल ही पूछा था तो मैं इतना ही बना देता, पर बेटा हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट भी बनाया क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन में गलती से भी पूछ लिया ना प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट तो नेसेसरी में फिर सिलेक्टिव थोड़ी रहेंगे, सारे ही अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। इसलिए हमने सारे अकाउंट की क्या कर दी बेटा, प्रैक्टिस, सेवा भक्ति। पर एग्जाम में उतना ही करना है जितना वो पूछेगा, याद रखना बस, ठीक है।
चलो तो इसी के साथ बेटा मैं आज का लेक्चर करता हूँ बेटा फिनिश। आई होप सो कि आपको मेरा ये लेक्चर बेटा पसंद आया होगा, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैं जब आपको बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो एक नए क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, नई प्रॉब्लम्स के साथ मिलूंगा। हो सके तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आती हैं तो। ठीक है, आपके चेहरे पे और उन तमाम स्टूडेंट्स के चेहरे पे जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लर्न एंड अंडरस्टैंड कर रहे हैं अकाउंट्स को, तो बोलते हैं ना कि आपके चेहरों पे स्माइल, तमाम उन बच्चों के चेहरों पे स्माइल देखकर जो खुशी मेरे को मिलेगी ना बेटा, आउट ऑफ द वर्ल्ड होगी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ बेटा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही होना।